मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी दौरे के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए संस्कृति सदन में कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों की देवास्था और धार्मिक पर्यटन को प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके तहत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शिव धाम के दूसरे चरण का शिलान्यास सितंबर माह से पहले किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव धाम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ धार्मिक आस्था का केंद्र भी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को करवाने के लिए वक्त लगता है और जब शिवधाम का कार्य पूरा होगा तो मंडी सहित हिमाचल प्रदेश के लिए धार्मिक आस्था और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर एक बड़ा केंद्र बनकर तैयार होगा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सभी जगह देवी देवताओं के प्रति एक श्रद्धा है, आस्था है, लेकिन मंडी को तो हम छोटी काशी कहते हैं। छोटी काशी अगर हम कहते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ बहुत हर गली में आप जाएंगे तो मंदिर मिलेगा, प्राचीन मंदिर मिलेगा, ऐतिहासिक मंदिर मिलेंगे। मंदिर भले छोटे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर मिलते हैं। एक प्रोजेक्ट हमने शिवधाम के रूप में हम यहाँ पर शुरू किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि शिवधाम का वो प्रोजेक्ट अब जमीन पर खड़ा होता दिख रहा है। अभी हमने फिलहाल उसमें फर्स्ट फेज में 50 करोड़ रुपए का की लागत से उसमें हमने शिलान्यास किया है और शिलान्यास करने के पश्चात वो एक पोर्शन उसका बन करके आने वाले समय में तैयार होने वाला, लेकिन बहुत जल्दी सितंबर के महीने से पहले पहले हमारी कोशिश है कि सेकंड फेज का भी हम शिलान्यास करेंगे, वो भी लगभग 100 करोड़ के करीब और होगा। और जब ये सारी चीज़ें और उसके बाद थर्ड फेज इसमें और आएगा, तीन फेजेस में होगा। और जिसके लिए एडीबी के लिए हमने अपनी जो डीपीआर 1100 बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बने। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ एक धार्मिक आस्था का केंद्र भी बने, उस दृष्टि से हम इसको बनाने के लिए हमने स्क्रिप्ट प्लान किया है। और जो आने वाले समय में निश्चित ठीक है वक्त लगता है चीज़ों को पूरा करने में, लेकिन वक्त के साथ चीजें पूरी होती हैं। तरह से हमारा फेज वन, फेज टू, फेज थ्री शिव धाम का जिसकी हमने शुरुआत की है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जब फेज थ्री होगा तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो मंडी के लिए नहीं हिमाचल प्रदेश के लिए वो होगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते में, धार्मिक आस्था की दृष्टि से एक बहुत सुंदर जगह यहाँ पर बनेगी जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।